और गाइस दिस इज द 7K मास्टर स्टूडियो में मैं बात कर रहा हूँ माफिया सीरीज की अब तक की स्टोरी लाइन के बारे में, जिससे आप स्टोरी को और अच्छे से समझ पाएं। एंड ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है विद लेजी असैसिन, जो कि गेम फैक्ट्स पे अपनी वीडियोस बनाता है। सो मिस्टर असैसिन से हेलो। हेलो गाइस, दिस इज लेजी असैसिन, थैंक्स फॉर हैविंग मी 7K, एंड विदाउट फर्दर वीडू लेट्स स्टार्ट। ओके, तो माफिया वन शुरू होती है 1938 में, जहां थॉमस एंजेलो एके टॉमी अपनी स्टोरी को एक पुलिस डिटेक्टिव को 8 साल की फ्लैशबैक में सुनाता है। तो 1930 में टॉमी फिक्शनल लॉस्ट हेवेंस की सिटी में एक कैब ड्राइवर था, एंड एक जॉब के दौरान डॉन सैलियरी के एसोसिएट्स पाउली एंड सैम टॉमी की कैब असिस्ट मांगते हैं उनके पीछे लगी उनकी राइवल गैंग मोरेलोस से बचने के लिए। टॉमी दोनों की मदद करते उन्हें सैलियरी बार तक पहुंचाता है। सैम एंड पाउली टॉम को उनकी हेल्प के बदले में उसका कट दे डॉन सैलियरी की गैंग ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं। टॉमी देखता है कि इतने अमाउंट की मनी उसने कितनी जल्दी बना ली कंपेयर टू हिज हार्ड वर्किंग टैक्सी बिजनेस, लेकिन वो कभी गलत रास्ता चूज नहीं करेगा। ये कहे वो सैलियरी गैंग को ज्वाइन करने की ऑफर रिजेक्ट करता है, अंटिल की उसे अपनी लेट मदर की बात याद आती है। As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. अगले ही दिन टॉमी अपनी नॉर्मल टैक्सी रन के दौरान मोरेलो के बंदे टॉमी की कैब को स्पोर्ट कर उसे मारने लगते हैं। थैंकफुली टॉमी लिटिल इटली एरिया में ही था, एंड वो डॉन सैलियरी के बार में जा उनसे मदद मांगता है। अब इस फेवर के बाद टॉमी को उसके टैक्सी बॉस उसकी टैक्सी जॉब से निकालने वाले थे बिकॉज ही वर्क विद द मॉब, एंड योलो कहते टॉमी सैलियरी मॉब का हिस्सा बनता है। अब 1932 तक टॉमी वाज अ रिस्पेक्टेड माफियोजो, एज टॉमी ने सैम एंड पॉली को जॉब के दौरान बचाया, डॉन सैलियरी के लिए खुद रेस ड्राइवर बन रेस जीती, मोरेलो के हाई रैकिंग बंदों को ठोका। लाइफ वाज गुड फॉर टॉमी अंटिल ही हैड टू गो थ्रू द हार्ड डिसीजन एंड फेस हिज ओन सोल। तो यहाँ टॉमी सैलियरी रेस्टोरेंट के शेफ लुइजी की बेटी सैरा से प्यार करता है, एंड इवन शादी भी। बट इसी दौरान मोरेलो एंड सैलियरी गैंग में टेंशंस बहुत बढ़ चुकी हैं, एंड इसी के बीच टॉमी को डॉन के कॉन्सेलियरी, जो कि एक पोजीशन है इन इटालियन गैंग्स, एंड कॉन्सेलियरी इज बेसिकली डॉन के एडवाइजर्स होते हैं, लेकिन उनके पास एडवाइजर से बढ़ते थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। सो डॉन सैलियरी का एडवाइजर फ्रैंक टॉमी को एक ब्रोथल ओनर एंड वहाँ की एक होर को मोरेलो से हाथ मिलाने के लिए एंड सैलियरी की इनसाइड इन्फो मोरेलो को पास ऑन करने के लिए उन्हें उड़ाने को कहता है। टॉमी इस होर तक पहुँच ये सैरा की क्लोज फ्रेंड है ये देख उसे नहीं मारता, एज पहले टॉमी की साउल उसे वुमन्स को मारने के लिए नहीं कहती, एंड सेकंड शी वाज हर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड। टॉमी इस होर को एक सेकंड चांस दे इस शहर से भागने के लिए कहता है, एंड वो दोबारा यहाँ कभी ना आए ये सब। एंड टॉमी इस ब्रोथल ओनर को उड़ाकर सैलियरी को होर के बारे में झूठ बोल देता है एज उसने उसको मार दिया। अब 1933 तक USA में लिकर बैन खत्म होने से पहले सारी इटालियन मॉब्स ब्लैक मार्केट में लिकर को बेच काफी पैसे बना चुके थे। Tom, we got two trucks full of the best liquor coming in from Canada. एक दिन फ्रैंक उसे कुछ काम से बुलाता है। सैम कनाडा से आई लिकर की शिपमेंट कलेक्ट करने के लिए गया है, तो टॉमी और पॉली भी उसकी मदद करने पहुंचते हैं, लेकिन वहां मोरेलो के आदमियों ने अटैक कर दिया है और उनके सभी आदमी मर गए हैं। टॉमी और पॉली बड़ी मुश्किल से सैम को बचाकर वहां से निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। ये इंडिकेशन है कि सिटी में एक रियल वॉर स्टार्ट होने वाली है। अब सैलियरी काफी परेशान है क्योंकि फ्रैंक ने उनके बिजनेस के अकाउंट बुक्स प्रोसिक्यूटर को दे दी हैं, जिससे उनका गैंग पकड़ा जाएगा। तो सैलियरी टॉमी को फ्रैंक को मारने को कहता है। जब टॉमी फ्रैंक को ढूंढता है तो फ्रैंक बताता है कि कॉप्स ने उसकी फैमिली को पकड़कर मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने अकाउंट बुक्स देने की डील की। तो टॉमी उसकी फैमिली को बचा लेता है, जिसके बदले में फ्रैंक उसे अकाउंट बुक्स का पता दे देता है। आखिर में टॉमी फ्रैंक को जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि वो अब सैलियरी की आंखों में मर चुका है। फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ यूरोप चला जाता है। सबको लगता है कि फ्रैंक मर गया है और उसके लिए एक ग्रैंड फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। माफिया फैमिलीज में जब भी कोई मरता है तो शहर के सभी गैंगस्टर्स फ्यूनरल अटेंड करते हैं। ऐसे में एक दूसरे के जान के दुश्मन मोरेलो और सैलियरी भी एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रो रहे थे। अब सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं और सैलियरी को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में पॉली एक नया बिजनेस आइडिया लाता है कि वो केंटकी से आए विलियम गेट से विस्की खरीदेंगे और बेचेंगे। सैलियरी पूरी डील को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डील के दौरान मोरेलो के आदमी उन पर हमला कर विलियम गेट्स को मार देते हैं।
टॉम और पॉली वहाँ से बचकर विस्की की सप्लाईज लेकर निकल जाते हैं। वापस लौटकर सेलेरी उन्हें बताता है कि विलियम गेट्स एक्चुअल में थीफ है, क्योंकि उसने मोडेलो से विस्की चुरा कर उनको बेचनी चाहिए, तो ऐसे में वो अटैक होना अच्छा ही था क्योंकि उन्हें फ्री में विस्की मिल गई और मोडेलो को बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। फिर 1933 में प्रोहिबिशन हटा दिया गया, जिससे माफियाज इतने खुश नहीं थे। फिर भी डॉन सेलेरी ने काफ़ी पैसा कमाया और उन्हें कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और कुछ इलीगल काम जैसे गैम्बलिंग में इन्वेस्ट किया। और उधर टॉमी ने सारे से शादी कर ली और उनको एक बेटी भी हुई। भले ही उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का बिजनेस नहीं किया क्योंकि उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। 1935 में एक दिन सेलेरी टॉमी के साथ अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पेपर्स रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट में लंच करते हुए मोडेलो के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। टॉमी अकेला ही सभी को मारकर सेलेरी को बचा लेता है। सेलेरी को शक है कि उसके बॉडीगार्ड कार्लो ने ही मोडेलो को उसकी लोकेशन बताई होगी, इसलिए वो दोनों जाकर उसे भी मार देते हैं। अब सेलेरी मोडेलो को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे उसके सारे कम्प्लेस को मारना होगा। टॉमी सिटी के काउंसिलर और मोडेलो के भाई सर्जियो को मार देता है। अब बस मोडेलो को मारना है और उसके मरते उसकी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। टॉमी, पॉली और सैमी उसे एक थिएटर शो के दौरान मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो वहां से जल्दी निकल जाता है। फिर जब मोडेलो प्लेन से भागने की कोशिश करता है, तो वो तीनों उसके प्लेन के इंजन में आग लगाकर उसका प्लेन क्रैश करा देते हैं। वाओ, यस, यस। सेलेरी उनके काम से बहुत खुश है और अब सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन टॉमी रियलाइज करता है कि उसने सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को मारा है। इसका मतलब आप कितने ही बड़े हो जाओ, आपको कोई ना कोई मार सकता है। फिर उसे 1920 की एक फोटो मिली, जिसमें सेलेरी, मोडेलो और उनका बॉस डॉन पेपोन था। सेलेरी और मोडेलो पहले दोस्त थे और डॉन पेपोन के अंडर काम करते थे, लेकिन 1920 में एक डील के चलते डॉन पेपोन मर गया और पूरी सिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसे मोडेलो और सेलेरी रूल करने लगे। फिर उनके बीच में कंपटीशन आ गया और टॉमी बस एक कठपुतली था, जिसने सेलेरी के कहने पर मोडेलो को मार दिया। तो उसे लगा कि एक माफिया की लाइफ कितनी पॉइजनस और ग्रीडफुल होती है। एक दिन सेलेरी के कहने पर टॉमी एक पॉलिटिशियन को मार देता है, ताकि पूरी सिटी उनके अंडर आ जाए। फिर किसी दिन सेलेरी उन्हें कुछ इंपोर्ट की हुई सिगरेट्स को लाने को कहता है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को सिगरेट्स बेच सके। टॉमी को लगता है कि डॉन भले इतनी छोटी चीज को क्यों चुराएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी जान पे खेलकर सिगरेट के बॉक्सेस ले आता है। पॉली जब बॉक्स खोलता है तो उसे पता लगता है कि उन बॉक्सेस में तो डायमंड्स हैं। जब वो सेलेरी से इसके बारे में पूछते हैं, तो वो बात घुमाकर उनको जाने को कहता है। ब्रावो, ब्रावो। बॉस, should we unload the crates and put the cigars into the warehouse? No, not yet. Anyway, why should you do it? I can get someone else. You want to work at my warehouse too? टॉमी को लगता है कि सेलेरी ने उनका यूज किया है और अब सारा प्रॉफिट खुद रखेगा। तो वो और पॉली खुद एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसका सारा प्रॉफिट वो रखेंगे। सैम इस प्लान के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो फैमिली के लिए काफी लॉयल है। टॉमी और पॉली सक्सेसफुली बैंक लूट लेते हैं। अगले दिन टॉमी पॉली के घर अपने पैसों का हिस्सा लेने जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि किसी ने पॉली को मार दिया है और सारे पैसे भी गायब हैं। जीसस, व्हाट द हेल हैपेंड? पॉली, पॉली, क्राइस्ट, द डो, वेयर्स द डो? डैम इट, इट्स ऑल गॉन। सैम टॉम को बताता है कि बॉस को उनकी डील के बारे में पता चल गया था और अब वो टॉमी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सैम टॉमी की मदद करने के लिए उसे सिटी गैलरी बुलाता है। वहां पहुंचकर पता लगता है कि वो एक जाल था और सेलेरी ने नहीं बल्कि सैम ने सेलेरी के कहने पर पॉली को मारा था। टॉमी सैम के बंदों को मारकर सैम से आखिरी गन फाइट की ओर बढ़ता है। तो सैम उसे बताता है कि टॉमी ने उनकी फैमिली के काफी रूल्स तोड़े हैं। पहले उसने मिशेल को जिंदा छोड़ा, फिर फ्रैंक को जाने दिया और अब बिना बताए बैंक लूटा। और वो ये भी बताता है कि ये सब मिशेल ने ही खुद उसे बताया है और इसलिए उन्होंने फ्रैंक को भी यूरोप में ढूंढकर मरवा दिया है। जो डायमंड्स वाली बात थी, तो बॉस पहले पूरी डील खत्म करना चाहते थे और फिर वो उनको बता ही देते। He only wanted to keep them secret so nobody knew where they were before he sold them. लेकिन अब इन सब बातों के लिए काफी देर हो चुकी है और उनके बीच में एक तगड़ी गनफाइट होती है। आखिर में टॉमी सैम को मार देता है। You did it. But they'll get you all the same. Salieri, we'll get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Pauly is dead. He was never, never sure that you wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day they'll get you. टॉमी सारा और अपनी बेटी को लेकर कंट्री छोड़ देता है, लेकिन अगर सेलेरी के आदमियों ने फ्रैंक को यूरोप में भी ढूंढकर मार दिया था, तो वो उसे भी मार ही देंगे। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए सारी जानकारी डिटेक्टिव नॉर्मन को बता देता है। टॉमी के दिए सबूतों से डिटेक्टिव सेलेरी को पकड़ पाएगा और बदले में टॉमी को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। अगर सेलेरी और उसके आदमी जेल में होंगे, तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। और ऐसा ही होता है, पूरी गैंग पकड़ी जाती है और सेलेरी को उम्र कैद हो जाती है। टॉमी अपनी फैमिली के साथ किसी और जगह रहने चला जाता है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद सेलेरी फैमिली के दो माफिया वीटो और जो टॉमी को मार देते हैं। मिस्टर एंजेलो, यस, मिस्टर सेलेरी सेंड्स हिज रिगार्ड्स।
I messed up. So did Polly and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. You know, I think it's important to keep a balance in things. Yeah, balance, that's the right word. Because the guy who wants too much risks losing absolutely everything. Of course, the guy who wants too little from life might not get anything at all. माफिया 2 गेम की स्टोरी वीटो स्केलेटा खुद बताता है। My name is Vito Scalera. वीटो अपनी फैमिली के साथ एम्पायर में रहने आता है और उसके पापा पोर्ट में काम करने लगते हैं। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वीटो छोटी मोटी चोरियां करने लगता है और जो से भी मिलता है। लेकिन 1943 में एक चोरी करते हुए वीटो पकड़ा जाता है और वॉर की वजह से वीटो को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? एक अटैक के दौरान उसके सभी साथी मर जाते हैं और वो भी बस मरते मरते ही बचता है क्योंकि वहां सिसिलियन मॉब का बॉस डॉन कैलो आकर अटैक रुकवा देता है। Don Callo, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. अब 2 साल बाद वीटो कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए घर लौटता है और जो से भी मिलता है, लेकिन जो के कनेक्शंस की वजह से वीटो को अब वापस वॉर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर जाकर वीटो अपनी मदर और सिस्टर से मिलता है और उसे पता लगता है कि उन पर उसके पापा का $2,000 का लोन है। जल्दी पैसे कमाने के लिए जो वीटो को माइक ब्रूस्की से मिलवाता है, जिसके लिए वीटो एक गाड़ी चुरा कर लाता है। लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो डेरेक से मिलने जाता है, जिसके अंदर उसके पापा भी काम करते थे। अब क्योंकि डेरेक जो का अच्छा दोस्त है, तो वीटो डेरेक के लिए भी कुछ क्राइम जॉब्स करने लगता है। फिर जो वीटो को हेनरी से मिलवाता है, जो क्लेमेंटे फैमिली का मेड मैन है। हेनरी के लिए वीटो गैस स्टैम्प्स चुराकर गैस स्टेशन पर बेचता है और लुका गरीनो के कहने पर वीटो और जो एक ज्वेलरी स्टोर लूटने जाते हैं, जहाँ जो का एनिमी ब्रायन ओ'नील की दखलअंदाजी की वजह से वो हाइस्ट फेल हो जाती है। हेनरी और लुका गरीनो के लिए कुछ जॉब्स करके वीटो पैसे कमा लेता है, जिससे वो अपने फादर का डेट चुकाता है। लेकिन इलीगल गैस चैम्प्स बेचने की वजह से वीटो को 10 साल की जेल हो जाती है। जेल में वो लियो गलांते से मिलता है और वीटो की स्किल्स देख के लियो उससे काफी इम्प्रेस्ड है। उसकी सजा के दौरान उसकी मदर की डेथ हो जाती है। लियो गलांते वीटो को ट्रेन करता है ताकि वो ओ'नील से लड़ सके और उसके खिलाफ जीतकर वो लियो का कॉन्फिडेंस जीत लेता है। फिर लियो वीटो को बताता है कि सिटी में 3 फैमिलीज हैं, क्लेमेंटे, विंची और फाल्कोन फैमिली, और तीनों के डिस्प्यूट सुलझाने के लिए है एक कमीशन। लियो विंची का कंसिलियरी है और वीटो को क्लेमेंटे की जगह फाल्कोन फैमिली के साथ काम करने की एडवाइस देता है। लियो की हेल्प से वीटो की सजा 4 साल कम हो जाती है और वो जेल से निकलकर जो से मिलता है, जो फाल्कोन फैमिली के लिए ही काम करता है। मार्टी जो के छोटे भाई जैसा है और वो वीटो के साथ सिगरेट्स बेचने जाते हैं, लेकिन कुछ गैंग मेंबर्स उनकी सिगरेट्स जला देते हैं, तो वो तीनों स्टीव के साथ मिलकर उनकी पूरी गैंग खत्म कर देते हैं। फिर डॉन फाल्कोन के लिए वीटो उनके कुछ आदमियों को बचाता है, जिनको लुका गरीनो ने किडनैप करवाया था। वीटो और जो के अच्छे काम के लिए अब वो फाल्कोन फैमिली के मेड मैन है, जिससे उनकी लाइफ लग्जूरियस हो जाती है। Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. फिर कुछ टाइम बाद पता लगता है कि क्लेमेंटे अब ड्रग बिजनेस कर रहा है, जो कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट है। तो कार्लो फाल्कोन के कहने पर वीटो, जो और मार्टी उसको मारने जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान मार्टी मर जाता है, जिसकी वजह से जो अब बहुत दुखी है। No! Fuck! They shot him! He's dead, Vito! Joe, come on. We gotta get out of here. You can't help him now. Clemente's getting away. Let's go. I'm gonna kill that fuck. एक दिन वीटो को हेनरी मिलता है, जो पहले क्लेमेंटे के लिए काम करता था, लेकिन अब वो फाल्कोन फैमिली में आना चाहता है। तो एडी हेनरी को डॉन गलांते को मारने का काम देता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सके। लेकिन डॉन गलांते वीटो के फादर जैसा है, तो इसीलिए वीटो उसे वार्न करने जाता है, जहाँ पता लगता है कि लियो और हेनरी ने अब एक डील कर ली है, जिससे हेनरी उसे जिंदा छोड़ देता है और लियो शहर से चला जाता है। कुछ टाइम बाद आयरिश मॉब वीटो का नया घर जला देते हैं, जिसके बाद वो और जो जाकर उनको अच्छा सबक सिखाते हैं। अब वीटो के पास पैसों की बहुत कमी है, तो हेनरी उनके लिए एक नया बिजनेस प्लान लाता है। वीटो, जो और हेनरी चाइनीज ट्राइड से ड्रग खरीद कर सिटी में बेचेंगे, जिसके लिए वो लोन शार्क ड्रोनों से लोन लेते हैं। ड्रग डील के दौरान उन पर अटैक होता है, लेकिन वो सक्सेसफुली डील कर लेते हैं। पूरे शहर में ड्रग्स बेचने के बाद वो बहुत पैसे कमा लेते हैं और वो ब्रूनो को भी लोन आसानी से उतार सकते हैं। लेकिन तभी हेनरी वीटो को फोन करके बताता है कि एडी और कार्लो को उनकी डील के बारे में पता लग गया है। तो वीटो और जो हेनरी से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन चाइनीज ट्राइब्स उसे मारकर सारा पैसा ले जाते हैं। Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Hey,
Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. रिवेंज लेने के लिए वो दोनों आधा चाइना टाउन खत्म कर देते हैं और चाइनीज ट्राइड्स के लीडर ज़ेयू वोंग को मार देते हैं। अब उन पे बिल्कुल पैसे नहीं है और उन्हें ब्रूनो के पैसे भी चुकाने हैं, इसलिए वो कुछ जॉब्स करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एडी के कहने पर वो माफिया वन के प्रोटैगनिस्ट थॉमस एंजेलो को भी मार देते हैं। Mr. Salieri sends his regards. वीटो कुछ पैसे कमाने के लिए डेरेक के पास जाता है, जहां डेरेक के वर्कर्स उसे बताते हैं कि डेरेक ने ही उसके फादर को मारा था। तो वीटो डेरेक और स्मिथ को मारकर उसके पैसे लेकर वहां से निकलता है। वो जो के पास जाता है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। फिर पता लगता है कि विंची ने जो को किडनैप कर लिया है, क्योंकि जो और वीटो के एक्शंस की वजह से माफिया और ट्रायड्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई है। वीटो जो को बचाकर वहां से निकलता है और उसे डॉक्टर के यहाँ छोड़ता है। अब वीटो सारे पैसे जमा करके ब्रूनो का लोन चुका देता है। फिर कार्लो फेल्कोन उसे प्लेनेटेरियम पे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। रास्ते में वीटो लियो से मिलता है और लियो वीटो को डांटता है कि उनके एक्शंस की वजह से अब सिटी में एक वॉर स्टार्ट हो गई है। और हेनरी एक्चुअल में एफबीआई का एजेंट था जो सारी इन्फॉर्मेशन उनको बेचता था, इसलिए ट्राइड्स ने उसे मारा था। उधर कार्लो ड्रग बिजनेस करना चाहता था जो कि कमीशन के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए उसने पहले लुका गरीनो को मरवाया और फिर लियो गलांते को मारने के लिए भी हेनरी को भेजा। लेकिन अब जो सिटी में वॉर चल रही है उसका रीजन सिर्फ वीटो है, इसलिए चाइनीज ट्राइड्स और विंची ने कमीशन में वीटो को मारने का डिसीजन लिया है। अगर वीटो को अपनी जान बचानी है तो उसे कार्लो को मारना होगा। तो वीटो प्लेनेटेरियम पहुंचता है, जहां पता लगता है कि कार्लो ने जो के साथ एक डील करी है कि वो वीटो को मार दे, लेकिन जो डील तोड़ वीटो के साथ मिलकर कार्लो को मार देता है। अब फाइनली सेलिब्रेशन का टाइम है और वीटो को पिक करने के लिए लियो आता है, जहां सबसे शॉकिंग चीज़ ये पता लगती है कि जो इस डील का पार्ट नहीं था। तो जो की गाड़ी उसे अलग रास्ते ले जाती है, सॉरी कि जो वाजंट पार्ट ऑफ आवर डील, जिसके बाद हमें नहीं पता कि उसका क्या हुआ। But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. अब 1951 के दो साल बाद लियो गलांटे वीटो को इटालियन कमीशन के लिए एम्पायर बे से न्यू ऑरलैंड से इंस्पायर्ड फिक्शनल स्टेट न्यू बोर्डो में भेजता है, ताकि वीटो इस शहर के इटालियन बॉस सैल मार्कानो पे निगरानी रखे और इटालियन कमीशन के लिए उससे सही कट ले। सैल मार्कानो न्यू बोर्डो में एक इकलौता बड़ा इटालियन मॉब बॉस है। एज वीटो अभी न्यू बोर्डो में आते अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है, ये पूरा शहर ऑलमोस्ट मार्कानो के अंडर आता है, यानी यहाँ के हर एक रैकेट हर एक बिजनेस या तो मार्कानो डायरेक्टली कंट्रोल करता है या इनडायरेक्टली, एंड इन सब रैकेट से मार्कानो अपना कट लेता है। उस समय अमेरिका में ब्लैक्स के खिलाफ रेसिज्म यानी जातिवाद पीक पे था, एंड गोरे लोग अपने आप को सबसे ज्यादा महान समझते थे, इसलिए इस शहर की ब्लैक्स की कम्युनिटी को अपने एक इलाके होलो में रहना पड़ता है, एंड होलो में ही एक ब्लैक मॉब बनती है जिसका लीडर है सैमी रॉबिन्सन। सैल मार्कानो इनकी गैंग से भी अपना कट लेता है, एंड ये ब्लैक मॉब होलो में लॉटरी रैकेट्स चलाती है। अब 1958 में एक ऑर्फनेज के बंद होने के बाद सैमी एक 11 साल के ब्लैक बच्चे लिंकन क्ले को गोद लेता है, एंड अपनी फैमिली जिसमें है एलिस रॉबिन्सन एंड उसकी वाइफ पर्ला इसमें शामिल करता है। लिंकन ब्लैक मॉब में बड़ा होते 19 ईयर्स की एज में यानी 1964 में आर्मी ज्वाइन कर लेता है, एंड तब यूएस वियतनाम में वॉर चालू थी, तो लिंकन को वियतनाम में नॉर्मल इन्फेंट्री में डिप्लॉय किया जाता है। बट लिंकन वॉज नेचुरल एंड उसकी अबिलिटीज को देखते हुए उसे स्पेशल फोर्सेस में प्रमोट किया जाता है, जहां से लिंकन को वियतनाम में ब्लैक ऑपरेशंस में भेजा जाता है, एंड यहां उसे साइकोलॉजिकल वारफेयर भी सिखाई जाती है। अब 1966 में लिंकन को उसका CIA हैंडलर जॉन डोनोवन मिलता है, एंड दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। अब 1968 तक लिंकन को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया, एंड वो न्यू बोर्डो में अपनी अडॉप्टेड फैमिली सैमी एंड एलिस के पास वापस आता है। सैमी का सैल मार्कानो से कर्जा बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि हेशियंस सैमी के लॉटरी रैकेट में रुकावट बन रहे थे। एज हेशियंस सैमी के मॉब को बंद करके मार्कानो का होलो से कंट्रोल हटाना चाहते थे, जिसके लिए हेशियंस ने होलो में सैमी की लॉटरी बिजनेस पर काफ़ी अटैक किए, एंड अब सैमी मार्कानो को उसका हिस्सा देने में 3 महीने पीछे रह गया। एंड यहाँ हेशियंस मोस्टली ब्लैक लोग ही होते हैं जो हाइती कंट्री से आते हैं। अब 1968 की फरवरी में लिंकन आते ही सैमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेशियन बॉस बाका को ठिकाने लगा देता है, लेकिन हेशियंस की रियल बॉस कसांड्रा ड्रामा कर लिंकन से बच जाती है,
इसके बाद लिंकन सेल मार्कानो से उनका कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम मांगता है, बट मार्कानो उसे उसके बेटे के साथ फेडरल रिजर्व की अनयूज्ड मनी लूटने का प्लान बताता है। प्लान के साथ मार्कानो लिंकन की अबिलिटी से इम्प्रेस हो उसे सैमी की जगह होलो का न्यू बॉस बनने के लिए कहता है। I'm talking about you. I want you to run the holo. लेकिन लिंकन अपने पिता समान सैमी की पोजीशन नहीं लेना चाहता एंड वो मार्कानो को मना कर देता है। He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano. I can't do that to him. इसके बाद लिंकन एलिस एंड जॉर्जी आयरिश मॉब के थॉमस बर्ग के बेटे डैनी के साथ मार्डी ग्रास के फेडरल रिजर्व की एक वैन को होस्टेज बनाकर इस रिजर्व में एंट्री ले नीचे की टनल से एंट्री लेकर ड्रिल मशीन से बड़ा होल कर ये सब पैसा चुरा लेते हैं। अब इस पैसे से ब्लैक मॉब यानी सैमी एलिस एंड लिंकन का हिस्सा जोड़ उनके पास काफी पैसा हो जाता है एंड इतना कि उन्हें अब मार्कानो के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है एंड सैमी अपना कर्जा भी चुका देगा। लेकिन यही मार्कानो एंड जॉर्जी आ सिर्फ लिंकन के मार्कानो को मना करने के लिए एंड अपने वाइट सुप्रेमेसी दिखाने के लिए सबको मार देते हैं। Shouldn't have said no. Where the fuck you think you're going? And सिर्फ एक बार मार्कानो को मना करने के लिए वो पूरी ब्लैक मॉब एंड लिंकन को बिट्रे कर देते हैं। बट भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। लिंकन पे चली गोली उसके सर के साइड से होकर जाती है एंड लिंकन को यहाँ के फादर जेम्स बचा लेते हैं। अगले कुछ महीनों तक लिंकन का इलाज चलता है एंड लिंकन फिर से नॉर्मल हो सैल मार्कानो के खिलाफ ऐसा रिवेंज स्वेयर करता है कि उसकी पुश्ते तो छोड़ो पूरी इटालियन मॉब्स याद रखें। इसमें लिंकन की मदद करता है उसका फॉर्मर CIA हैंडलर जॉन डोनोवन जो सब इनसाइड इन्फो लिंकन को देता है। डोनोवन के हेल्प के पीछे उसका एक हिडन मोटिव था जो डोनोवन लिंकन को नहीं बताता, लेकिन दोनों के गोल्स इनडायरेक्टली सेम ही हैं एंड दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिंकन सैल को अंदर से ख़त्म करना चाहता है, उसके सारे रैकेट्स, उसके बिजनेस, उसके लुटेनेंट्स एंड कापोस यानी कैप्टन्स को ख़त्म करके और इतने बड़े ऑपरेशन की मनी जनरेट करने के लिए लिंकन पहले अपने एसोसिएट्स चुनता है। सो फर्स्ट बीइंग हेशियन बॉस कसांड्रा, तो जो एरिया लिंकन मार्कानो के बंदों को मारकर लिबरेट करेगा उस एरिया को सही से चलाकर पैसा बनाने के लिए वो अपने किसी एसोसिएट को देगा। लाइक एक एरिया लिबरेट करने के बाद वो उन्हें हेशियंस को सौंप देगा जो लिंकन के लिए उसे चलाएंगे एंड जो पैसा बनेगा वो आधा लिंकन एंड आधा हेशियंस में डिवाइड होगा। एंड ऐसे ही लिंकन को पता लगता है कि सैल मार्कानो वीटो स्केलेटा को मारने की कोशिश कर रहा है। एज वीटो मार्कानो के मेन प्लान उसके कसिनो को सही से बिल्ड करने नहीं देता, लिंकन वीटो को बचाकर उसके साथ भी सेम डील सेट करता है एंड लास्ट में आयरिश मॉब लीडर थॉमस बर्ग के साथ भी सेम डील कर लिंकन डोनोवन की मदद से वन बाय वन सैल मार्कानो के रैकेट्स को ख़त्म करते मार्कानो को अंदर से वीक करता है। यहाँ हमारे एसोसिएट्स वीटो कसांड्रा एंड बर्ग जो एरिया लिंकन लिबरेट करता है ये तीनों उस डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर लेने की पूरी कोशिश करते हैं एंड अगर लिंकन सिर्फ किसी एक बंदे को ही फेवर करता है तो वो लिंकन की गैंग को छोड़ देगा जिससे लिंकन को उसे असैसिनेट करना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों के साथ सही रिलेशनशिप रखते भी गेम का एंड कर सकते हैं जो थैंकफुली मैं कर पाया। अब लिंकन को पता लगता है कि जो फेडरल रिजर्व हाइस्ट का प्लान मार्कानो ने लिंकन के साथ बनाया था वहाँ से जॉर्जी ने मनी प्लेट्स चुरा ली थी एंड उनका रियल मोटिव्स प्लेट्स को चुराना ही था। एंड अब मार्कानो काउंटरफिट कैश से न्यू बोर्डो में अपना कसिनो बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ इस स्टेट में गैम्बलिंग इलीगल है जिसके लिए मार्कानो कुछ जजिस को खरीद कर लॉस को चेंज करवा रहा है एंड इस कसिनो से मार्कानो इटालियन कमीशन को छोड़ एक तरह से वाइट पैसा बनाएगा। लिंकन ऐसे जजिस को भी मार ये इंश्योर करता है कि मार्कानो का कसिनो प्लान कभी सक्सीड ना हो। लिंकन यहाँ KKK से इंस्पायर्ड सदर्न यूनियन के लोगों को भी उनकी जगह दिखाता है। इस यूनियन के बॉस को जीसस के क्रूसिफिक्स पे जिंदा जलाकर एज लिंकन वॉज ट्रेंड इन साइकोलॉजिकल वारफेयर तो वो सैल मार्कानो पुलिस सबके दिमाग में ये फिट कर रहा है कि नो वन कैन टच लिंकन क्ले। फाइनली सैल मार्कानो को उसके कसिनो में कॉर्नर करने के बाद लिंकन जॉर्जी को मार्कानो के साथ उसकी लास्ट ड्रिंक इंजॉय करता है।
यहाँ मैंने मार्कानो को मारने में 2 सेकंड ज़्यादा लगा दिए, जिससे वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। बट यू कैन ब्रूटली किल मार्कानो। इसी के साथ लियो गलांटे इटालियन कंसेलियरी लिंकन से कंफर्म करता है कि ये रिवेंज सिर्फ मार्कानो के लिए ही था, ना कि पूरी इटालियन कमीशन के लिए। एंड वो लिंकन को मार्कानो की कुर्सी पर बैठ कमीशन को 20% कट देता रहे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये बताकर चला जाता है। यहीं कैमरा लियो गलांटे के बॉडीगार्ड की तरफ जाता है एंड पता लगता है कि जो बारबरो माफिया 2 के बाद जिंदा था एंड ही वॉज वर्किंग एज लियो गलांटेस बॉडीगार्ड। अब डोनोवन एंड फादर जेम्स से मिलने के बाद फादर जेम्स लिंकन को समझाते हैं कि उसका मिशन अब पूरा हुआ एंड उसे अब सब गलत काम की कोई जरूरत नहीं। एंड यहाँ लास्ट में 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर न्यू बोर्डो के नेक्स्ट किंग बन सकते हैं, या फिर आप शहर से भाग सकते हैं, जो कि कैनन एंडिंग है। एंड मैंने लीव ऑप्शन ही चूज की। तो लीव ऑप्शन के साथ लिंकन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है एंड ही लिव्स हिज लाइफ ऑनेस्टली। अब ये सारे इंसिडेंट के साथ सभी US अथॉरिटीज इस केस के पीछे लगती हैं। आखिर जो काम पूरी US अथॉरिटीज नहीं कर पाए वो सिर्फ एक बंदे ने कर दिखाया, एक पूरे शहर में से इटालियन माफिया को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। यहीं लिंकन के जानकारों से पूछताछ की जाती है एंड जॉन डोनोवन पे वहाँ की कांग्रेस सेनेट मीटिंग बुलाकर पूछताछ करती है। एंड लास्ट में डोनोवन बताता है कि उसे वियतनाम में पता लगा कि जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया, तब उसने कसम खाई कि वो इस असैसिनेशन के पीछे उनके कातिलों को जरूर पकड़ेगा। एंड मार्कानो की फाइल से जो सेनेटर डोनोवन से सवाल पूछ रहा है, जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन में उसका नाम भी था, और ऐसे ही नाम निकालने के लिए डोनोवन ने लिंकन की मदद की। एंड डोनोवन यहीं इस करप्टेड सेनेटर को उड़ा देता है। लिंकन क्ले एक शहर से दूसरे शहर भागते, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाती एंड यहीं इस गेम का एंड होता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप आपको माफिया स्टोरी और अच्छे से समझ आई हो। एंड नाउ आप अपने माफिया 3 के दोनों चॉइसेस को कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या आपने तीनों एसोसिएट्स को बचाया और डिड यू जस्ट फेवर्ड वीटो? एंड लास्ट में क्या आपने लीव ऑप्शन चूज किया या फिर सिटी को रूल करना? लेट मी नो। एंड इसी के साथ अगर आपको लेजी असैसिन का पार्ट अच्छा लगा देन उसके चैनल भी चेकआउट कीजिए, उसने माफिया 2 पर अपनी फैक्ट्स वीडियो बना रखी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी आर क्लोज टू 200K सब्स, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।